एक दो तीन चार गणपति की जय जयकार, पांच छह सात आठ गणपति हमारे साथ, नौ दस ग्यारह बारह गणपति है सबसे प्यारा। गणेश बाबा आने वाले हैं, हम सबको उनके आने का बहुत इंतजार है और हमने अभी से उनके आने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मालती शर्मा पर। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी व्रत पूजन विधि शुभ मुहूर्त के बारे में बताऊंगी, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें। वेट किस बात का कर रहे हैं, साथ में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गणेश जी का उत्सव गणपति प्रतिमा की स्थापना और पूजा से शुरू होकर 10 दिनों तक चलता है। 10वें दिन अनंत चतुर्थी को बहुत ढोल निगाड़ों के साथ नाचते गाते भक्तजन खुशियां मनाते गणपति बाबा को विदा करते हैं और प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। सन 2019 में गणेश चतुर्थी 2 सितंबर दिन सोमवार को है। गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना का शुभ मुहूर्त मध्याह्न 11:05 से 1:30 तक का अभिजीत मुहूर्त है। 1:30 से शाम 6 तक भी अच्छा मुहूर्त है। रात को 9 से 10:30 तक भी अच्छा मुहूर्त है। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निर्वृत होकर गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाई या घर लेकर आए, उसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, एक कलश लेकर उसमें जल भरें, फिर आम के पत्ते लगाकर और नारियल रखकर कलश की स्थापना करें। गणेश जी को पहले जल से, फिर पंच अमृत से और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, जनेऊ चढ़ाएं, उसके बाद लाल सफेद या पीले फूलों की माला पहनाएं। वैसे गणेश जी को लाल फूलों की माला बहुत पसंद है। गणेश जी को दूर्वा अंकुर बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाएं। हो सके तो गणेश जी के 10 नामों को बारी बारी से लेकर हर नाम पर 2-2 दूर्वा चढ़ाएं। गणेश जी के 10 नाम इस प्रकार हैं: ओम गंधिपाये नमः, ओम उमापुत्राय नमः, ओम विघ्न नाशनाय नमः, ओम विनाकाय नमः, ओम ईश पुत्राय नमः, ओम सर्व सिद्ध प्रधाय नमः, ओम एक दंताय नमः, ओम इब वक्त्राय नमः, ओम भूषक वाहनाय नमः, ओम कुमार गुर्वे नमः। इस प्रकार गणेश जी के एक एक नाम को 2-2 बार लेकर 2-2 दुर्वा चढ़ाते रहें, धूप दीप दिखाएं और 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। 10 लड्डू मंदिर में दे दें और बाकी 11 लड्डुओं का प्रसाद घर में बांट दें। इस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, गणेश जी को तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को एक या तीन परिक्रमा लगानी चाहिए, जहां तक हो सके मिट्टी के गणपति जी ही बनाएं। वैसे सोना चांदी तांबे की प्रतिमा भी बहुत शुभ होती है। रोज सुबह शाम गणेश चालीसा, गणेश अथर्वशीष या गणेश जी के नामों का जाप करें, आरती करें, भजन कीर्तन करें, घर में भक्तिमय वातावरण होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि चतुर्थी रविवार या मंगलवार को पड़े तो बहुत शुभ होती है, इसे महाचतुर्थी भी कहा जाता है। गणपति जी थोड़ी सी पूजा से ही खुश हो जाते हैं, जो भी इनको प्यार से मनाता है ये उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं, उन्हें बल बुद्धि विद्या धन और सुख शांति देते हैं, इसीलिए इनको विघ्न विनाशक भी कहते हैं। जो भी काम नया शुरू करना चाहे इन दिनों में करें। मेरी गणपति भगवान से यही प्रार्थना है कि वो सबके घरों में सुख शांति और खुशहाली लाएं, अपनी कृपा बरसाते रहें। बोलो गणपति भगवान की जय।